ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कहते हैं दो चीजें व्यक्ति के पास तभी इकट्ठी नहीं रहती, और जिसके पास रहती है वो करोड़ों में लाखों में एक होता है, समय और समझ। अक्सर करके हमारे पास समय बहुत होता है परंतु समझ नहीं होती, और जब समझ मिलती है तो समय मेरे हाथ से चला गया होता है। ऐसा ही उसके साथ हुआ। उसका एकमात्र बेटा 20 साल का, उसे न्यूज मिला कि ब्लड कैंसर हो गया। संध्या काल का वक्त है, दिल से भगवान से मैं ये गुजारिश करूंगी कि किसी भी माता पिता को ये दिन देखना ना पड़े। सबके बच्चे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें, सत्वर्ष आयु पाएं। लेकिन उस पिता को ये दिन देखना पड़ा। उसने भारत के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को अपने बच्चे को दिखाया, परंतु टू लेट हो गया था, चौथी स्टेज पर पहुंच गया था, सबने हाथ खड़े कर दिए। इकलौते बेटे को लेकर वो अमेरिका जाता है, विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर को दिखाता है। वो विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर भी उसकी रिपोर्ट को रीड करता है और सर झुकाकर कहता है, आई एम वेरी सॉरी, टू लेट, बहुत देर हो गई है। अब वो एनआरआई भाई ने जो बताया वो ये बताया कि उस समय मैं क्या करता, मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। मैंने डॉक्टर के पांव पकड़ लिए, उसको हिलाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, डॉक्टर साहब कुछ भी करो, मेरी सारी धन संपत्ति ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, सब कुछ ले लो, कुछ भी करो, पर मेरे बच्चे को बचा दो। तब डॉक्टर ने कहा, देखो भाई साहब, मेडिकल साइंस यहां आकर फेल है, कुछ नहीं कर सकती यहां मेडिकल साइंस। हां, अगर तेरे बेटे के जीवन में अब कोई चमत्कार कर सकता है तो वो केवल ऊपर वाला है जो अब भी चमत्कार कर सकता है। मेडिकल साइंस का भी हाथ ऊपर गया। फिर उसने कहा, भैया अब तो केवल दुआएं बचा सकती हैं, केवल दुआ। और तीसरा बोला कि तुम्हारे इसके कर्म। जब उसका तीसरा नेत्र खुला तो समय हाथ से निकल चुका था, समझ देरी से आई। आज तीसरा नेत्र खुला, जो यथार्थ देख रहा है कि मैं काहे का साहूकार, मेरे जैसा कंगाल तो कोई भी नहीं है। भगवान ऊपर वाला, उससे भी मेरा कभी पाला पड़ेगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब उससे मदद मांगू तो किस मुंह से मांगू। दुआएं वो तो कभी ली भी नहीं है। काश उसने भगवान का ध्यान किया होता कुछ क्षण, तो आज भगवान भी उसका ध्यान रख रहा होता। लेकिन उसने कभी भगवान का ध्यान नहीं किया, ना कभी दुआ दी और ना कभी दुआ लेने की कोशिश की। कर्मों का तो ज्ञान ही नहीं कि कुछ पाप पुण्य भी होते हैं क्या। लेकिन जिस पर ध्यान दिया, जिसे ना दिन देखा ना रात, ना पाप देखा ना पुण्य, ना अपना देखा ना पराया, कमाता चला गया कमाता, आज वो है तो सही पर देखिए कैसी बेवफा बनी है, परंतु काम में नहीं आ रही। सब कुछ है, पद पोजीशन भी है, धन संपत्ति भी है, बड़े बड़े सोर्स भी हैं, परंतु सब धरे के धरे। और जो आज काम में आना चाहिए, जिसकी आज सख्त जरूरत है, उसमें उसका बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो है, निल। और जो बैंक बैलेंस भरे हुए वो काम में नहीं आ रहे। ऐसी बेवफा बनी आज, दौलत है तो परंतु मुस्कुरा रही है, काम में नहीं आ रही। इसीलिए जहां ये धन मेरी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वही पुण्य की कमाई भी मेरे जीवन में बहुत जरूरी है, वहां दुआएं भी बहुत जरूरी है।